नमस्कार, मैं अरुण कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते हुए बता दें, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राख परिवहन में भ्रष्टाचार होने को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने सीधे तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताने वाले जयसिंह ने मोदी को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को पावर प्लांट में राख परिवहन का काम कर रही ब्लैक स्मिथ कंपनी पर कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। राज्य की विष्णुदेव सरकार ने 88 IAS और 1 IPS को की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। कुल 89 अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर समेत 19 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। IAS गौरव कुमार सिंह को रायपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। इससे पहले वो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के सचिव की जिम्मेदारी देख रहे थे। वहीं IPS मयंक श्रीवास्तव नए जनसंपर्क आयुक्त बने हैं। वो दीपांशु काबरा के बाद जनसंपर्क संभालने वाले दूसरे IPS ऑफिसर बनाए गए हैं। तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तीसरी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया है। आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायत के संबंध में CBI से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। और चौथी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 5 साल बाद फिर फरवरी 2024 में राजिम में कुंभ लगेगा। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज और त्रिवेदी संगम नगरी राजिम फिर साधु संतों के पावन संदिग्ध से गुलजार होगी। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवा विकास संघ के प्रदेश प्रतिनिधि मंडल ने CM विष्णुदेव साय और करवदा विधायक डिप्टी CM विजय वर्मा से अलग अलग समय में मुलाकात कर विभिन्न विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कबीरधाम जिलाध्यक्ष अस्करण सिंह ध्रुवे ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण देने सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी बीते कई वर्षों से आरक्षित वर्ग के बैकलॉग के हजारों पदों को भरा जा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि भविष्य में आरक्षित वर्ग के शासकीय सेवाओं को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज़।